अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एकदम रियल एंड जेन्युइन ट्रिक जिससे आपको इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिल जाएगा आपके आईडी पर एकदम बिल्कुल परमानेंट, वो भी एकदम रियल ब्लू टिक मिल जाएगा। बस आप लोग को पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, जो जो भी मैं अप्लाई करने को बताने जा रहा हूँ उसको आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी पर अप्लाई करना हो। मैं बिल्कुल भी फेक नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आज अक्सर मैं देखा यूट्यूब पर काफी सारे लोग बनाकर रखे हैं भाई फेक फेक तरीके से बताकर, फेक वेबसाइट पर ले जाकर या फिर फेक ऐप्स पर ले जाकर आप लोग को बस केवल कुछ देर के लिए ब्लू टिक दिला देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल जेन्युइन एंड रियल एंड परमानेंट ब्लू टिक दिलाने वाला हूं। बस आपको पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि देखिए अक्सर जो भी हीरोज रहते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, उन्हीं लोगों को केवल ब्लू टिक मिलता है, और काफी सारे लोग सोचते हैं कि भाई मेरे फॉलोअर्स ही नहीं है तो मुझे ब्लू टिक कैसे मिलेगा। तो भाई फॉलोअर्स मैटर नहीं करता है इंस्टाग्राम पर, आपको अगर ब्लू टिक पाना है बस आप लोग को जो जो मैं बताने जा रहा हूँ उस फॉर्म को आपको अच्छे तरीके से फिलअप करना है, उसके बाद में भाई आपको ब्लू टिक जरूर मिलेगा, अभी रियल एंड जेन्युइन ब्लू टिक मिलेगा। तो बस आपको पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे इंस्टाग्राम से रिलेटेड एंड यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स देते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोफाइल ओपन हो चुका है, वो भी मेरा ही प्रोफाइल है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू टिक नहीं लगा हुआ है, तो आप लोग को लाइव मैं दिखाता हूँ लगाकर ब्लू टिक ही कैसे लगता है। तो देखिए यहाँ पर थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, थ्री लाइंस पर क्लिक करने के बाद में इधर सेटिंग्स का ऑप्शन फर्स्ट में आएगा, उसी पर क्लिक कर देना रहेगा आप लोगों को। तो वहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोग को दिखाई देते हैं। तो अब आप लोग देखिए पहला है फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स, फिर नोटिफिकेशन, फिर क्रिएटर, फिर प्राइवेसी, फिर सिक्योरिटी, फिर एड्स, फिर अकाउंट। तो जो अकाउंट का ऑप्शन रहेगा वहीं पर क्लिक करना रहेगा आपको। तो देखिए अकाउंट पर ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद देखिए कहाँ पर आना है आपको, इधर ऐसे नीचे आना है आपको। रुकिए अभी देखिए यहाँ पर नीचे आपको आना है, इधर रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इधर रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं देखिए इधर ब्लू टिक लगाने का, देखिए इधर राइट साइड में थोड़ा कॉर्नर पे वेरीफाइड अकाउंट्स है ब्लू टिक चेक मार्क्स, यानी कि ब्लू टिक रहता है। तो देखिए अब यहाँ पर लगाने के लिए आपको क्या करना है, इधर अपना यूज़र नेम डालना है, यहाँ पर जो भी है सब कुछ आपको इधर डाल देना है, जितने सारे ऑप्शंस रहते हैं सब कुछ। तो देखिए मैं इधर पहले फुल नेम डालता हूँ अपना प्रमोद धरज, ऐसे आपको डाल देना है। तो यूज़र ने आईडी डॉक्यूमेंट टाइप आपको डालना रहेगा, आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लगाएंगे, ड्राइवर्स लाइसेंस है तो ड्राइवर्स लाइसेंस लगाएंगे, नेशनल आइडेंटिफिकेशन है तो उसको लगाएंगे, या फिर कहीं पर टैक्स वैक्स आप देते हैं तो उसको लगाएंगे, फिर रिसेंट यूटिलिटी बिल या किसी भी चीज़ का बिल लगा सकते हैं, फिर आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशंस इसका भी लगा सकते हैं। तो आप लोग जो भी है आपका लगा सकते हैं। तो मेरे पास अभी तो माना जाए तो देख सकते हैं मैं इधर नल आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगा देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर आपको चूज़ करना रहेगा ओपन ये फ़ोटो। तो यहाँ पर ओपन ये फ़ोटो में जाएंगे तो आपके गैलरी में चले जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से हम कोई भी ले लेते हैं, तो उसके बाद में आपको जो भी करेक्ट आपका रहेगा वो आपको फिलअप करना रहेगा। तो देखिए ये तो हो चुका है, अब यहाँ पे स्टेप टू आता है कंफर्म नोटिबिलिटी। अब यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना रहेगा, तो पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, तो आपका जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा एंटरटेनमेंट है तो मैं एंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कंट्री रीजन यानी कि आप कौन से इंडिया में, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, इसे इंडिया सर्च करके आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर इंडिया सर्च कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर इंडिया आ चुका है, इंडिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर ऑडियंस ऑप्शनल है, ऑडियंस को आप क्या बताना चाहते हैं अपने बारे में कि आप उस आपको फॉलो करें तो इसको आप करना चाहते हैं करें, नहीं तो ये ऑप्शनल है। फिर इसके बाद में ये भी ऑप्शनल वाला ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको आल्सो नो एज ऑप्शनल, सब ऑप्शनल है। फिर लिंक्स यहाँ पर डाल सकते हैं आप, किसी का भी अपने यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल का, देखिए सोशल मीडिया में जाएंगे यहाँ पर यूट्यूब चैनल का डाल सकते हैं, कोई भी लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तीन चार पाँच लिंक रहता है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद में इधर सबमिट का ऑप्शन रहेगा, इधर क्लिक कर देना, मैंने कोई भी लिंक नहीं लगाया है। तो देखिए जब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए अभी सबमिट हो रहा है, तो देख सकते हैं इधर ये जो ब्लू टिक का रहता है ये रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। अब अब यहाँ से क्या होगा कि इंस्टाग्राम आपका ब्लू टिक देखेगा, अगर आप ब्लू टिक के लायक हैं, आपका जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो सही है तो आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने सेटिंग्स ए टू जेड बताया आपका जो इंस्टाग्राम ब्लू टिक रहता है उसके लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करें तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिए, और मैं जो भी जनरल तरीका बताया हूँ उसको आप अप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद में अगर आप उस ब्लू टिक के काबिल हैं या फिर लायक हैं, अगर आपका एकदम रियल एंड जेन्युइन फॉलोअर्स हैं या फिर जो भी
आपको जो भी कैटेगरी है आपने जो भी उसमें फिलअप किया है वो सब सही है तो आपको ब्लू टिक जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक कमेंट जरूर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड इंस्टाग्राम से रिलेटेड टिप्स देते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।